आसमानों की विषय है। जैसे मंत्री जी ने आपको भी बताया कि पूरे देश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर अगर प्रताड़ित किया जाता है, जनित किया जाता है, तो सिर्फ हमारे ही समाज को किया जाता है। इसका क्या कारण है? हम बार बार आरएसएस को दोष देते हैं कि आरएसएस हमारे साथ ये कर रही है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दुश्मन क्या कर रहा है हमारे खिलाफ, जैसा दुश्मन हमारे ऊपर नीति अपनाता है, अगर हमने दोगुनी ताकत से दुश्मन को जवाब नहीं दिया तो दुश्मन कभी हार नहीं सकता। आज दुश्मन हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे ही समाज के लोगों को आगे करके हमारे समाज को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जो लोग किसी भी पार्टी में बैठे हैं, कांग्रेस ने कितने दिन राज किया, ये कहते हैं सामाजिक मंच चाहिए। सामाजिक मंच पर अगर राजनीतिक नेताओं की पोल नहीं खोलोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हम सामाजिक इकट्ठे क्यों होते हैं, क्या कारण है, क्या मजबूरी है हमारी सामाजिक मंच बनाने का? क्योंकि आज तक जितने भी सरकारें बनी उन सभी सरकारों ने हमारा शोषण किया, तभी हम सामाजिक मंच बना रहे हैं। तो क्यों नहीं बोलेंगे हम नेताओं के खिलाफ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की दोनों हमारे लिए खतरनाक पार्टियां हैं। साथ काशीराम जी ने क्या कहा था, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, दोनों से सावधान होने की जरूरत है। आज पूरे देश में पवार है, आग लगी हुई है हमारे समाज के अंदर, लेकिन मात्र एक चीज की जरूरत है कि आज प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है कि हम उसके ऊपर खड़े होकर अपना मतदान कर दे। आज हम बिखरे हुए हैं अलग अलग पार्टियां मंच बनाते हैं, ये सच्चाई है। उसका कारण भी क्या है, अगर हमारे घर में गलती है और हम अपने परिवार को नहीं सुधारेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक घर बनाया था साहब काशीराम जी ने, और जब वो घर बना और जब उस घर में ताकत बनी तो दुश्मन हमारे खोखला उठे और उन्हीं दुश्मनों ने हमारे घर को तोड़ दिया, और आज उसी का नतीजा है कि आज हम बिखर चुके हैं, कोई एक होने के लिए तैयार नहीं है। मैं हरियाणा से आती हूँ, मैंने भी साहब काशीराम जी के साथ काम किया है। मात्र 15 साल की मेरी उम्र थी, मैं उस समय साहब काशीराम जी के साथ आई थी 1983 में। मुझे पता है बीएसपी कैसे बनी थी, बीएसपी क्या है, उस समय क्या थी और आज कौन सी बीएसपी है। एक वक्ता ने हमारे बीच में कहा कि आप उनके साथ क्यों नहीं लगते, मैं समाज लगाने के लिए तैयार है लेकिन वो लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो समाज जाएगा कहां पे बताइए। जब हमारे समाज के नेता के पास समाज के नेताओं के लिए समय नहीं होगा, वर्कर के लिए समय नहीं होगा, मिलने के लिए समय नहीं होगा, तो वोट क्यों देंगे, किस मुंह से वोट देंगे? हम उनका बहिष्कार करते हैं। मैं खुद भुगत हो गई हूं, हमने क्या गलतियां की हैं। जब भी चुनाव आएगा जिसका हम विरोध करेंगे 5 साल, जैसे चुनाव आएगा उसी जाति के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठा देते हैं, हम कैसे वोट दे देंगे आप बताइए मुझे। ये सवाल है हमारे दिमाग में। मैं इस मन से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब सामाजिक यहाँ बैठे हैं, जितने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, हम आर्थिक की बात करते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े, बिल्कुल नहीं पिछड़े। अगर हम पिछड़े हैं तो अपने दिमाग से पिछड़े, अपनी सोच से पिछड़े हैं। हमारी सोच छोटी है, हमारी मानसिकता कमजोर है। आज कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो तब पितर छोड़पति ना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कितने लोगों की सोच ये है कि मैं लाख अगर महीने में कमाता हूँ तो 10,000 में मैं संगठन को दो, बताइए आप। बहुत कम लोगों की सोच मिलेगी आपको, बहुत कम। या तो कुछ लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस देश में हमारी है, हम चिल्लाते हैं कि हम संख्या में ज्यादा है, जुलम भी हमारे ऊपर होते हैं, जुलम करता कौन है, जुलम करने वाला तो करेगा, जब तक आप सहन करोगे तब तक आपके ऊपर जुलम होता रहेगा। जिस दिन आपने जुलम का मुकाबला कर दिया, मैं गारंटी से कहती हूँ जुलम करने वाला आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, अगर वो आपकी तरफ उंगली करता है तो उसका हाथ काटने की हिम्मत जिस दिन आप
रखे हुए हैं, आप इनको जब तक दिल्ली में जैसे दूसरे लोग अपनी ताकत का एहसास नहीं कराते, जब तक आप अपनी ताकत का एहसास दुश्मन को नहीं कराओगे, जब तक आपको कोई भी कुछ नहीं दे सकता, आपको दिल्ली के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा और इस बेईमान निकम्मी सरकार को दिखाना पड़ेगा, ए बेईमानो, ए गुंडो, तुम सरकार पर बैठकर गुंडा करते करते हो, अब हम एक हो चुके, इकट्ठे हो चुके हैं, तुम्हारी मां ने दूर पिताया है, तो आइए टकराइए हमें, हम तैयार हैं तुम्हारे से युद्ध करने के लिए, उतरिए गुंडी बैरी निकम्मी गुंडों की सरकार हमारे समाज पर जुल्म करना बंद कर देगी। और एक काम नहीं होगा, बहन बेटों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन आज हम मजबूत सिर्फ भाषण देने में है, बोलने में है, मंच बनाने में है, नेताओं को बुला के माला पहनाने में है, ग्रहण देने में है, फिर अम्बेडकर भवन है, बुला लो बीजेपी के मंत्री को, अम्बेडकर भवन है, रविदास जयंती, बुला लो कांग्रेस के किसी एमएलए को, वो 2-4-5 लाख रुपए ले जाएगा, बेच दिया समाज को, आज हमारा दिमाग मार सकता है, इस देश दिमाग को कांग्रेस बीजेपी से हटा दो, इनको दुश्मन बना दो, एक छोटा दुश्मन एक बड़ा दुश्मन, इन दुश्मनों से दिमाग को हटाओ, अपने समाज को आगे जाओ और आंदोलन के लिए तैयार हो, जब हम आंदोलन के लिए तैयार होंगे तो हमारा देश, हमारे देश में हमारा एससी बीसी का ही शासन होगा, और मैं एक शब्द के साथ अपना विचार बंद करती हूँ कि जो भी आपने यहाँ मुद्दे उठाए उन सभी मुद्दों के साथ साथ और भी जितनी घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, सबको लेके जल्दी से जल्दी दिल्ली पर कब्जा करें, दिल्ली पर आंदोलन शुरू करें, और यहाँ की जो भी ड्यूटी होगी जनता की भी पैसे की भी, जैसे अभी तन मन धन से हरियाणा किसी से पीछे नहीं रहेगा, मैं इतना ही कह के आपका संबोधन बंद करती हूँ, और मेरे मुख से अगर कोई गलत बात निकली हो, किसी को गलत लगी हो, आप सबसे माफी चाहते